टिका सर बुला रहे, टिका साहब बुला रहे, ये आते हैं बदतमीजी करते हैं, हम बैठे लोग क्यों जा रहे हैं तुम साथ, ये बदतमीजी करते हैं। इनको कहोगे ये हमको जी हिंदुस्तान और आर भारत को हमको कोई इंटरव्यू नहीं देना, ये यहाँ पे लड़कियों को भेजते हैं, फिजिकल टच करवाते हैं, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनको एक इनका 10 महीने से यही इनका प्रोग्राम इनका गेट पे छुपा के बिना आईडी क्या जाता है। अरे बंद कर लेना, बंद करो यार। किसान आंदोलन की गाजीपुर बॉर्डर की साइट पर राकेश टिकैत से इंटरव्यू लेने वालों का तांता लगा रहता है। ऐसे में आर भारत और जी हिंदुस्तान के मीडिया रिपोर्टर भी जाते हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने इन दोनों चैनलों से तोबा तोबा की हुई है और उसका कारण है, और उन्होंने इसका कारण बता भी दिया है। पिछले साल भी हमने देखा था कि कैसे एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर थी, राकेश टिकैत को ऐसे पकड़ के उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें ही सारे सवालों के जवाब मिले। दरअसल में आर भारत की हमेशा महिला रिपोर्टर को वहाँ पर भेजते हैं और वो सवाल पूछने से ज़्यादा लड़ने में यकीन रखती हैं। उनकी कोशिश होती है राकेश टिकैत भड़क जाए, उनसे लड़ाई हो, और राकेश टिकैत का आरोप है कि महिला पत्रकार यहाँ आकर फिजिकल टच करके इंटरव्यू लेना चाहती हैं, जो गलत है। अगर कोई पुरुष ऐसा कर दे तो वो पिट जाए, लेकिन महिला ऐसा करती है तो कब तक झेला जाए। जाहिर सी बात है, जो भी आरोप राकेश टिकैत ने लगाए यकीनन फिजिकल हरासमेंट है जो राकेश टिकैत के साथ होती है। एक चैनल अब सिर्फ और सिर्फ फीमेल पत्रकारों को भेजता है, ये आरोप राकेश टिकैत ने लगाए, ये ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा जी हिंदुस्तान भी, हालांकि आप दोनों चैनलों की बौखलाहट उनके शोज में भी देख सकते हैं कि कैसे वो राकेश टिकैत के लिए खुलेआम डकैत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भूल गए जब 2014 से पहले यही राकेश टिकैत आंदोलन करते थे तो बीजेपी उनका समर्थन क्या करती थी। जाहिर सी बात है, राकेश टिकैत तो किसान नेता है, उनका काम है आंदोलन करना, वो आज से नहीं कर रहे। साल 2002-3 में जब एक आंदोलन हो रहा था तो वो उसमें पिट भी गए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब संसद के सामने उन्होंने गन्ने की एक पुली फूकी थी तो उसमें जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, राकेश टिकैत ने खुद को एक खंभे से बांध लिया था और पुलिस से कहा था कि मुझे पीटो। और ये राकेश टिकैत की खासियत है कि वो अपने साथ वाले लोगों को पिटने नहीं देते, वो सारी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं। और राकेश टिकैत कानून, तीनों कानून वापस होने के बाद भी टिके हुए हैं, उसका कारण है 50,000 मुकदमे हैं किसानों के पास। और राकेश टिकैत ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर वो वापस चले गए तो उन किसानों को उठाना शुरू कर देंगे राज्य की पुलिस, खास करके हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। और राकेश टिकैत उन लोगों में से हैं जो अपने लोगों को नहीं छोड़ते कभी भी मुसीबत में। और टिकैत ये भी जानते हैं कि चले जाएंगे तो अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग जगह पर उनका समर्थन करने जाना पड़ेगा, और ऐसे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भी ले उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका काम है आंदोलन करना, वो आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के साथ एक दो चैनल हमेशा फीमेल रिपोर्टर को भेजते हैं और वो फीमेल रिपोर्टर सारी हदें क्रॉस कर जाती हैं, उनको फिजिकल टच करती हैं, उनसे लड़ती हैं और उनसे लड़ लड़ के उनको भड़काना चाहती हैं, और यही कारण है राकेश टिकैत कब तक इस गुस्से को दबाए फिरते। अंत में ये गुस्सा फूटा राकेश टिकैत का और उन्होंने रिपब्लिक की रिपोर्टर को एक बार फिर से भगा दिया। 2 दिन पहले भी भगाया था, एक बार फिर से भगा दिया। अब वो रिपोर्टर ट्विटर पर अलाप कर रही हैं कि राकेश टिकैत महिलाओं की इज्जत नहीं करता, राकेश टिकैत सबके सामने है, राकेश टिकैत के घर में बहू बेटी नहीं है, राकेश टिकैत 1 साल से इस आंदोलन में, और सब जानते हैं वो किस सहनशीलता के साथ अन्य महिला पत्रकारों का जवाब देते हैं, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे दूसरे चैनल की और पत्रकार हो, चाहे रूपिका लियाकत हो। लेकिन यहाँ पर जब आप फिजिकल टच करेंगे तो सामने वाला भला कब तक बर्दाश्त करेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।